नमस्कार, मैं कंचन सिंह राजपूत के KKR न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में आगामी दुर्गा उत्सव समारोह को लेकर समितियां पशुपेश में हैं। इसी पशुपेश को लेकर बंग समाज के लोग जिला कलेक्टर से मिले और मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। बंग समाज आगामी दुर्गा उत्सव को लेकर बंग समाज के लोग काफी चिंतित है कि जबलपुर में 16 स्थानों पर बंग समाज द्वारा दुर्गा पंडालों का निर्माण किया जाता है और वहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। बंग समाज ने दुर्गा उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बंग समाज की दुर्गा प्रतिमाओं और पंडालों का निर्माण कलकत्ता के कलाकारों द्वारा किया जाता है। शासन द्वारा अभी तक कोई दुर्गा प्रतिमाओं के साइज को लेकर किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। बंग समाज दुर्गा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बंग समाज के द्वारा नगर में 16 जगह पर दुर्गा प्रतिमाएं रखी जाती हैं। बंग समाज के हम प्रतिनिधि आज माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के पास इसलिए आए थे कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से दिया गया कि दुर्गा पूजा के संबंध में कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए कोई भी दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए, क्योंकि बंग समाज के दुर्गा उत्सव में हमारे समाज की महिलाएं, बच्चे एवं दुर्गा उत्सव समितियां बड़ी असमंजस की स्थिति में आज की तारीख तक, क्योंकि मूर्तियों का साइज़ क्या होगा। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं वो कलकत्ता के हमारे कलाकार आते हैं, मूर्तिकार कलकत्ता से ऑलरेडी आ चुके हैं और मूर्तियाँ बनना भी प्रारंभ हो चुका है, ढाकिया कलकत्ते से आते हैं। इस संबंध में बड़े ही असमंजस की स्थिति में है। रात को कितने बजे तक घूमना है, विद्युत सज्जा कैसी होगी, विसर्जन कैसा होगा, इस संबंध में आज दिनांक तक कोई दिशा निर्देश न शासन की तरफ से है न स्थानीय प्रशासन की तरफ से। तो हम लोग यही निवेदन करने आए थे और बड़ी खुशी की बात है कि कलेक्टर महोदय के साथ हमारे जबलपुर के माननीय सांसद महोदय एवं कैंट क्षेत्र के विधायक माननीय रोहानी जी भी साथ थे। सभी से लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया कि शीघ्रता शीघ्र इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करें, जिसमें दुर्गोत्सव समिति कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए बड़े निर्भक रूप से सानन्य संपन्न हो सके। मैं सुजीत बैनर्जी, बंग समाज का सचिव, मेरे साथ बंग समाज के उपाध्यक्ष आशीष बैनर्जी एवं दीपक कुमार पाल एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।